वारंट गिरफ्तारी गार्ड्स को नहीं दिखाया गया, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले इतला देना जरूरी है। हाईकोर्ट ऑर्डर की खिलाफवर्जी की गई। वकील रहनुमा मुस्लिम लीग नून की थाने के बाहर गुफ्तगु। नैब के बाद नून लीगी भी मॉरल टाउन थाने पहुंच गए। नामालूम नैब अफसरान के खिलाफ इंदिराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। नैब की जानिब से कार्य सरकार में मदाखलत करने वालों के खिलाफ मॉरल टाउन थाने में दरखास्त। वारंट गिरफ्तारी दिखाने पर गात ऐश में आ गए। नैब हुकाम को संगीन नताइज की धमकी दे दी। गालम गलोच की धक्के दिए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, कपड़े फाड़ दिए, ड्राइवर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। नैब के सब इंस्पेक्टर उमर दराज का दरखास्त में मौकफ। 8 नामालूम और 12 अफराद नामजद मुलजमान के खिलाफ करार वाकई सजा देने का मुतालबा। आमदन से जायद असासे मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना मामला। नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96 मॉरल टाउन में छापा। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहम्मद असगर की सरबराही में 20 अहलकार एक घंटे से जायद तक मौजूद रहे। घर के बाहर मतवाले ढाल बन गए। शदीद मुजामत की, दरवाजे के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की। हमजा गिरफ्तारी से बच गए, नैब टीम नाकाम रवाना। कौम ने देखा है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज क्या क्यामत टूट गई, जुमे का दिन है, घर पे दावा बोल दिया गया। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले, नैब सियासत अदा हो चुकी है कि आज लोगों की जान लेवा बन गई है। नैब सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। नैब एहलकार सुपरमैन बनकर मुझे गिरफ्तार करने आए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज ऐसा लगा हम दहशतगर्द हैं, पंजाब का अपोजिशन लीडर हूं, लाखों वोट लेकर मुंतखब हुए। नैब ने जब भी बुलाया तहकीकात के लिए पेश हुआ, अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं। न्याजी साहब तमाशा बंद करें, चोर अपनी काबीना में ढूंढे। हमजा शहबाज की मॉरल टाउन में मीडिया से गुफ्तगु, बोले मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का आवाम एहतसाब करेंगे। नैब टीम ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, नैब अहलकारों के कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकियां दे दी गईं। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी ना देकर कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की, तर्जुमान नैब। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज कबल आगाह करना जरूरी है। वकील अताउल्ला तारड़ 96 मॉरल टाउन के बाहर अदालती हुक्मनामा लहराते रहे। किसी मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत बड़ी वासे हैं। आला अदलिया के अहकाम की रोशनी में गिरफ्तारी अमल में लाएंगे, नैब का मरास्ता। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे की वजह सामने आ गई। नैब ने हमजा शहबाज को 10 बजे तलब किया था। अपोजिशन लीडर के पेश न होने पर नैब हुकाम गिरफ्तारी के लिए मॉरल टाउन पहुंचे। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की कोशिश पर मरियम नवाज का रद्द अमल। हर महाज पर नाकामी के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज न आई। हमजा शहबाज अपनी अलील नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापिस आए। मरियम नवाज का ट्वीट, नैब के छापे के खिलाफ पंजाब असेंबली में 4 मुजम्मती करारदादें, 1 तवज्जा दिलाओ नोटिस जमा। बिलावल भुट्टो भी हमजा शहबाज की हिमायत में मैदान में आ गए। नैब के छापे की शदीद मजम्मत, बिलावल का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। नैब जाने या फिर शरीफ बरादरान, पंजाब हुकूमत का नैब के मामलात से लातालुकी का इजहार। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं, नैब एक आजाद इदारा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है, एहतसाब के अमल में करप्ट लोग गिरफ्तार होंगे,
हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी जमात से भी लोग पकड़े जाएं। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस हमारे दौर में नहीं बने। हमजा शहबाज के एहसासों में 85% इजाफा हुआ। नदीम अफजल चंद बोले, शरीफ बरादरान का VIP ट्रायल हो रहा है। हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, ना हमारा वतीरा है। जमहूरियत और एहतसाब को अलग अलग देखना चाहिए। बेटा गिरफ्तार ना हुआ, बाप को बुलावा आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में तेजी। नैब ने 9 अप्रैल को शहबाज शरीफ को बुला लिया। तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। मुबैना फ्रंटमैन फजलदाद अब्बासी कासिम कय्यूम गिरफ्तार। मुलजमान सलमान शहबाज ग्रुप एंड कंपनी के मुबैना फ्रंटमैन रहे। नैब ने मुलजमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। नैब खुद मुख्तार इदारा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत का कोई हाथ नहीं। सूबाई वजीर बिशारत राजा की मीडिया से गुफ्तगू। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ड्रग इंस्पेक्टर्स का सर्वे। 65 से ज्यादा कंपनियों की 100 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों का सुराग लगा लिया। ड्रग अथॉरिटी का अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी गड़बड़ का एतराफी खत्म। तोलबा ही नहीं, असातिज़ा भी बगैर बताए छुट्टी नहीं करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्टाफ को वार्निंग जारी कर दी। मॉनिटरिंग के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी। असातिज़ा दौरान ड्यूटी लोकेशन शेयर करते रहेंगे। तमाम CEOs को मरासला भिजवा दिया गया। 500 असातिज़ा और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस को ओहदे पर तरक्की देने का भी फैसला। तारीख पे तारीख, शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। एक मोरिया पुल तोसी मंसूबा राजी के जाल में फंस गया। LDA ने मंसूबे की तकमील के लिए नई तारीख दे दी। कॉन्ट्रैक्टर्स को अब 30 अप्रैल के बजाय 21 अगस्त तक का वक्त दे दिया। नई डेडलाइन में एक मोरिया और 2 मोरिया अंडरपासिस की बहाली मुकम्मल की जाएगी। निश्तर कॉलोनी में बेटी का कब्जा ग्रुप के हमरा। मां पर तशद्दुद का मामला। भाई उमर ने वालिदा पर तशद्दुद नहीं किया, सिर्फ पीछे हटाया। खातून की बेटी हिना की तशद्दुद के इल्जामात की तर्दीद। वालिद के कत्ल होने के बाद वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और जाली कागजात से जायदाद अपने नाम करवा ली। बाप के कातिलों को माफ कर दिया, मुझ पर भी केस की पैरवी ना करने के लिए दबाव डाला। खातून हिना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालिदा जायदाद फरोख्त करना चाहती है, मुझसे गाड़ी भी वापस ले ली, मेरे खावंद को भी धमकियां दी गईं। हिना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम आमिर गुज्जर और हिना ताहाल आजाद। हमने 50 करोड़ दरख्त कागजों पर नहीं अमली तौर पर लगाने हैं। साबिक हुकूमतों ने कंक्रीट के पंजाब पर तवज्जो दी। PTI मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाएगी। सूबाई वजीर जंगलात सप्तान खान का UCP के जरिए तमाम क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की तकरीब से खिताब। दिल्ली सरकार में रियल स्टेट का कारोबार 60% मुतासिर। टैक्स तरामीम से प्रॉपर्टी का कारोबार ठप हो गया। लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉन फाइलर के लिए 50 लाख की शर्त खत्म करने का मुतालबा। प्रॉपर्टी डीलर्स खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सदर फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट ताहिर मसूद। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद वकास नजीर की जेर सिदारत। सिटी डिवीजन की एंटी क्राइम मीटिंग। तमाम थानों के SHOs की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन सैयद गजनफर अली। तमाम SDPOs और SHOs की शिरकत। सिविल एविएशन के 21 अफसरान की तरक्की। नजीर अहमद खान के एडिशनल डायरेक्टर्स एयरपोर्ट सर्विसेज के अहदे पर तरक्की। महकमा रेलवे ग्रेड 19 के 3 अफसरान के तबादले। मोहम्मद फारूक ज्वाइंट डायरेक्टर रेलवे अकेडमी वॉल्टन तायुनात। अंजुमन शहजाद को डिप्टी चीफ इंजीनियर लगा दिया गया। सरफराज कमर डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल RTL तायुनात। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल मलिक असद खोकर की फजल हक कॉलोनी आमद। बैंक स्टॉप UC 229 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। मलिक असद खोकर का तमाम मोहल्लों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान। सीवरेज सिस्टम नस्ब करने का भी अज़्म।
पंजाब गेम्स में कबड्डी के शानदार मुकाबले, पहलवानों ने मुखालिफ को जेर करने के लिए खुद खूब दाव पेच लगाए। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कराटे और टेबल टेनिस में खिलाड़ी आमने सामने, आजा सरा भी इन एक्शन। रस्साकशी, बोरी रेस और चाटी रेस में अपनी महारत दिखाई। पंजाब स्टेडियम में जीत का खूब जश्न मनाया गया, भंगड़े डाले गए। चित्राली सकाफत ने लाहौर में रंग जमा दिया, फनकारों की दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस। वादी कैलाश और चित्राल की मौसीकी के सब दीवाने, फनकारों ने खूब दाद पाई।